Hello there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहां मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies जो आपको easily 3 star दिला सके home base and builder base दोनों में। So guys, last video में हमने देखा था CWL series जिसमें मैंने आपको दिखाए थे full 7 days के attack मेरे और साथ ही में information दी थी CWL start के लिए और CWL end के लिए। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे वीडियोस है। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नए नए वीडियोस आते रहेंगे, ऑसम स्ट्रेटजीज सारे। सो चलिए आज की स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ TH10 के लिए विच स्लैप स्ट्रेटजी। जी हाँ, विच सारे विचेस यूज करेंगे और उनके साथ हीलर्स। चलिए देखते हैं आज की आर्मी। आज मैं यूज़ करने वाला हूँ 14 विचेस, 4 हीलर्स और 4 विजर्ड्स। ये विच स्लैप है तो इसीलिए हमने मास विचेस लिए है, साथ ही मैंने लिए हैं स्पेल्स में 1 हील, 2 रेज और 5 फ्रीज। और क्लैन कासल में मैंने लिया है येटी, 1 सुपर आर्चर और 1 जायंट, पॉइजन और वॉल रेकर। अगर आपको ये येटी और सुपर आर्चर नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह बॉलर्स भी ले सकते हैं टीएच डाउन करने के लिए, या फिर हॉक राइडर्स भी ले सकते हैं डिफेंसिस डाउन करने के लिए। चलिए फिर देखते हैं आज का अटैक। देखिए पहले हमें क्या करना है, दो दो विच साइड में छोड़ेंगे और उनके साथ 3 विच छोड़ेंगे और 2 हीलर्स दोनों कॉर्नर में। फिर जैसे ही थोड़ा फनल क्रिएट हो जाए तो हम वो डाल देंगे वॉल रेकर्स और सारे बचे हुए विचिस। चलिए देखते हैं आज का अटैक। देखिए 3 विच साइड में डाल दिए मैंने, फिर उनके पीछे डालूंगा 2 हीलर्स और यहाँ पर भी दूसरे कॉर्नर में 3 विचिस और 2 हीलर्स। थोड़ी देर फिर बीच में सारे डाल दिए बाकी के विचिस। यहाँ पर देखिए फनल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वॉल्स के बाहर कुछ था ही नहीं। अगर वॉल्स के बाहर कुछ हो तो आप फनल क्रिएट करना पड़ेगा। फिर छोड़ दिए वॉल रेकर्स, बार्बेरियन किंग, आर्चर क्वीन, विजार्ड्स, सारे ट्रूप्स हमने छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए टाउन हॉल की तरफ बढ़ गया है तो मैंने 1 हील और रेज डाल दिया है टाउन हॉल क्लियर करने के लिए। और पॉइजन, ये देखिए सीसी में से सुपर मिनियन और बेबी ड्रैगन निकला है तो पॉइजन और फ्रीज डाल दिया। एक सुपर मिनियन बहुत डैमेज दे सकते हैं इसीलिए फ्रीज डाल दिया है और पॉइजन से थोड़ी देर बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपने आप, इसीलिए पॉइजन लेना ज़रूरी है सीसी डाउन करने के लिए। ये एक TH10 मैक्स बेस पर मैं अटैक कर रहा हूँ विच स्लैप से। हमारी आर्चर क्वीन की एबिलिटी यूज़ हो चुकी है, सेंटर में आप देख सकते हैं येटी और साइड में मास विचिस और देखिए स्केलेटन बहुत सारे दिख रहे होंगे। क्या ये अटैक हो पाएगा 3 स्टार? देखिए विचिस बहुत सारी बची हुई है, येटी भी हमारा बचा हुआ है और हीलर भी बचा हुआ है तो बहुत सारे स्केलेटन्स आ रहे हैं और येटी माइट्स भी अटैक करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। सो गाइस, लगता है ये अटैक हो जाएगा 3 स्टार। अब बचे कुछ ही डिफेंसिस, 2 आर्चर टावर और 1 कैनन। सो इजीली अटैक हमारा हो जाएगा 3 स्टार यूजिंग विच स्लैप। देख सकते हैं बहुत सारे स्केलेटन्स दिख रहे होंगे। सो इजीली हमने अटैक कर दिया 3 स्टार ऑन अ टाउन हॉल 10 मैक्स बेस विच स्लैप 3 स्टार अटैक। वेल डन गाइस, लेट्स सी अनदर अटैक ऑफ द सेम स्ट्रेटजी विच स्लैप। जैसे ही मैंने आपको बताया था पहले 3-3 करके 2 हीलर्स छोड़ने और 2 हीलर्स साथ में, ये मैंने छोड़ दिए 3 विचिस और 2 हीलर्स। फिर वही दूसरी कॉर्नर में 3 विचिस, 2 हीलर्स, थोड़ी देर इनको काम करने देंगे। यहाँ पर फनल बनाने की ज़रूरत है, पहले वॉल रेकर डाल दे जिससे वो वॉल्स तोड़ दे और उनके पीछे विजार्ड्स डाल दिए। और फिर अब जैसे ही फनल हो गया क्रिएट सारे विचिस वॉल टूटेंगी, उसके बाद बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन, तो सारे हमने ट्रूप छोड़ दिए
अब जैसे ही वॉल रेकर सेंटर की तरफ बढ़े, हम डालेंगे हील और एक रेज ताकि जो ट्रूप्स है वो टाउन हॉल डिस्ट्रॉय कर जाए। और जो इन्फर्नो है उनको फ्रीज करते रहिएगा, नहीं तो वो बहुत सारा डैमेज दे जाएगा। इसलिए हमने 5 फ्रीज लिया ये स्ट्रेटजी में। देख सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी देर में मैं इन्फर्नो फ्रीज कर रहा हूँ ताकि हमारे ट्रूप्स को ज़्यादा डैमेज ना मिले। इन्फर्नो हो चुके हैं फ्रीज, अब हमारे फ्रीज हो चुके हैं ख़त्म। तो अब हम यूज़ कर ले बार्बेरियन किंग की एबिलिटी। बाहर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे विकीज और स्केलेटन दिख रहे होंगे। यहाँ पर आर्चर क्वीन की फुल हेल्थ है, बच गया है एक इन्फर्नो डाउन हो चुका है। तो क्या ये अटैक होगा 3 स्टार? क्या लगता है आपको? लेट्स सी। आर्चर क्वीन बच चुकी है अंदर और बाहर सा बहुत सारे विचीज है। मोर तार हो चुका है डाउन। अब बचा है एक डबल कैनन, एक एक्सबो और एक इन्फर्नो। आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे है, एबिलिटी भी बची हुई है। सो मुझे लगता है इजीली अटैक भी एक 3 स्टार अटैक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले 3 वीथ 2 हीलर छोड़ के फनल क्रिएट करना है। जैसे ही फनल हो जाए क्रिएट, फिर छोड़ देने वॉल रेकर। वॉल रेकर जैसे ही वॉल्स तोड़ दे, फिर विचीज विजार्ड एंड वॉल टूट जाए, उसके बाद बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन। तो ये अटैक हो गया हमारा एक 3 स्टार गाइस। ऑसम अटैक। लेट्स सी अनदर अटैक ऑफ द सेम स्ट्रेटजी विथ स्लैब। देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा मैक्स बेस हो रहा है ये। सेंटर की वॉल्स मैक्स है, बाहर की नहीं है और हीरोज 2020 के हैं। तो देखिए मैंने डाल दिए 3 वीथ 2 हीलर और दूसरे कॉर्नर में भी सेम 3 वीथ 2 हीलर। फिर सेंटर में डाल दिए बाकी के 6 विचिस। फिर वॉल रेकर, जैसे ही वॉल रेकर वॉल तोड़ दे, उसके बाद बार्बेरियन किंग आर्चर क्वीन। विजार्ड भी डाल दिए थे पहले ही। अब ये इन्फर्नो का डैमेज बढ़ेगा तो फ्रीज डाल देंगे उस पर। और अब वॉल रेकर टूट चुका है तो हील एंड रेज। सेंटर में आप देख सकते हैं हमारा सुपर आर्चर डैमेज दे रहा है टाउन हॉल को। और यहाँ पर एक्सपो को वीच डैमेज दे रहा है। एक्सपो हो गया डाउन, थोड़ा सा बच गया एक्सपो। बाहर तो आप दोनों वॉल के बाहर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे विचीज है। आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे, एबिलिटी भी बची हुई है। और यहाँ पर हमारे सारे फ्रीज यूज हो चुके हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आर्चर क्वीन की एबिलिटी अभी बाकी है। तो इन्फर्नो भी डाउन हो जाएगा इजीली। अब जो देखिए बचे, एक एक्सपो दिख रहा है, एक हिडन टेस्ला, एक आर्चर टावर और एक विजार्ड टावर। आर्चर टावर एंड विजार्ड टावर तो हो जाएगा डाउन इजीली। और ये हो गए डाउन, अब बचा है एक्सपो एंड हिडन टेस्ला। सो गाइस, मैक्सिमम ट्रू स्केलेटन्स दिख रहे होंगे आपको, विचेस भी बहुत सारे हैं और आर्चर पिन भी है सपोर्ट के लिए, हीलर्स भी है। तो इजीली हमारा अटैक हो जाएगा एक 3 स्टार, परफेक्ट 3 स्टार अटैक टाउन हॉल 10 बेस पर यूजिंग विच स्लैब। ये देख सकते हैं आप, स्केलेटन आर्मी बहुत सारी दिख रहे हैं। स्केलेटन आर्मी आप दिख रही होगी आपको बहुत सारी। और ये इजीली हमारा अटैक और एक हो चुका है 3 स्टार। ऑसम अटैक। लेट्स सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी यूजिंग विच स्लैब। पहले जैसे ही मैंने आपको बताया, 3 वीच 2 हीलर्स और 3 वीच 2 हीलर्स दो कॉर्नर में। ये देखिए एक कॉर्नर पर डाल दिया, अब डाल दिया दूसरे कॉर्नर पे। फिर सेंटर में डाल देंगे बाकी के बचे हुए विचिस, उसके बाद उनके पीछे विजार्ड्स एंड देन वॉल ब्रेकर। जैसे ही वॉल ब्रेकर वॉल तोड़ दे, फिर डाल देंगे हम बार्बेरियन किंग और आर्चर क्वीन। देखिए वॉल टूट चुकी है, फिर मैंने डाल दिए हीरोज हमारे। और यहाँ पर जैसे ही इन्फर्नो का डैमेज बढ़ने लगे तो फ्रीज डालने हैं उस पर।
हमने 5 फ्रिज लिए, इसीलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, फ्रिज यूज़ करते रहिएगा टाइम टू टाइम। और ये सेंटर में डाल दिया है रेज एंड हील। अब बच गया एक इन्फर्नो टावर, उसे फ्रीज कर दिया है। अब हमारे सारे फ्रीज खत्म हो चुके हैं, लेकिन ट्रूप्स हमारे जो है वो सेंटर में दिख रहे हैं। अगर येटी, आर्चर क्वीन, विचिस, विजार्ड और हीलर्स भी है साथ में। सो सेंटर इजीली हो चुका है डिस्ट्रॉयड। अब देखिए एक कॉर्नर पे बार्बेरियन किंग और विजिस दिख रहे होंगे आपको, और दूसरे में सिर्फ एक विज बच रहा है, तो वो साइड का अटैक अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ से जो बहुत सारे मैक्सिमम ट्रूप्स है वो जाके इजीली क्लियर कर देंगे। ओहो, देख सकते हैं आप कितना इजीली हमने एक 3-स्टार अटैक कर दिया है टाउन हॉल 10 बेस पर। इजीली आप कोई भी बेस पर 3-स्टार कर सकते हैं ये आर्मी लेकर विद स्लैप। चलिए देखते हैं और एक अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी, लेट्स गो। ये बेस देख सकते हैं आप, वॉल्स मैक्स नहीं है लेकिन डिफेंसिव ऑलमोस्ट मैक्स है, सिर्फ विजर्ड टावर बचे। जैसे ही मैंने आपको बताया था, 3 विच 2 हीलर्स, एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर पे डाल दिया, 3 विच 2 हीलर्स। अब बाकी के विच सेंटर में, उनके पीछे विजर्ड, उनके पीछे वॉल रेकर, एंड जैसे ही वॉल्स क्लियर हो जाए बार्जिन किंग एंड आर्चर किंग। अब देखिए फ्रीज हमने 5 लिए, तो आपको याद दिलाऊंगा कि फ्रीज डालते रहना है, नहीं तो आपके ट्रूप्स इजीली मर जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट इन्फर्नो डाउन, और जैसे ही वॉल रेकर सेंटर में जाए हील एंड रेस डाल दीजिए, जिससे कि टाउन हॉल हमारे सीसी ट्रूप इजीली डिस्ट्रॉय कर सके। अगर आपको एटी नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह बॉलर भी ले सकते हैं टाउन हॉल डिस्ट्रॉय करने के लिए। बॉलर्स बहुत ही एफिशिएंट होते हैं टाउन हॉल डाउन करने के लिए, वो मैंने होवाई आर्मी में भी यूज़ किए थे, आप देख सकते हैं वो वीडियो भी, उसमें मैंने सीसी में लिए थे बॉलर्स। अब देखिए एक इन्फर्नो बच चुका है, और हमारी मैक्सिमम आर्मी इस तरफ दिख रही होगी आपको, वहाँ पर विचिस के बहुत सारे स्केलेटन्स है, हीलर है, और दूसरी साइड पे बार्बेरियन किंग, आर्चर क्वीन, दोनों फुल हेल्थ पे विथ एबिलिटी। देखिए अब बचा है सिर्फ डिफेंसिस में एक इन्फर्नो टावर, और हमारे ट्रूप देख सकते हैं बहुत सारे बचे हैं, तो इजीली अटैक भी हमारा हो जाएगा एक 3-स्टार। 3-स्टार ऑन द वे, वूहू, लेट्स सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी। ये भी एक ऑलमोस्ट मैक्स बेस है, वॉल्स और थोड़े मैक्स है, थोड़े नहीं है, डिफेंसिस और सारे मैक्स है। चलिए 3 हीलर्स, 3 विचिस 2 हीलर्स, दोनों कॉर्नर पे डाल दिए, फिर बाकी के विचिस, उनके भी थे विजार्ड, फिर वॉल रेकर, वॉल टूट जाए उसके बाद डाल देंगे बार्बेरियन किंग एंड आर्चर क्वीन। अब देखिए इन्फर्नो का डैमेज बढ़ेगा, तो मैं डाल दूंगा उस पर फ्रीज। और जैसे ही हमारा वॉल रेकर सेंटर में पहुंच जाए हमें डाल देना है हील एंड रेज। और पॉइजन का आपको जहां जरूरत पड़े वहां डालिए, अगर सीसी एम्प्टी है तो हीरोज पर डालना है, नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते, और अगर सीसी में से कुछ निकल रहा है तो उस पर जरूर डालिएगा पॉइजन। और ये लास्ट इन्फर्नो टावर भी हमारा डाउन हो चुका है, देख सकते हैं आप रेज के साथ मैक्सिमम ट्रूप जो हमारे सेंटर में फास्टली एक्ट कर रहे हैं, येटी, सुपर आर्चर, साथ में आर्चर क्वीन, और एक तरफ देख सकते हैं बार्बेरियन किंग एंड विजार्ड्स, और दूसरी तरफ विचिस है, दोनों हीलर्स के साथ है, तो इजीली ये अटैक भी हमारा हो जाएगा एक 3-स्टार। वंडरफुल अटैक गाइस, इजीली हम ये अटैक 3-स्टार कर पा रहे हैं यूजिंग विच स्लैप, कोई भी बेस पर, TH10 मैक्स बेस पर भी किया, जैसे बेस मिल रहे मैंने उस पर अटैक करके दिखाया आपको,
कैसे थ्री स्टार करना है। तो आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इजीली कोई भी बेस पर थ्री स्टार मिल जाएंगे। पहले याद रखिएगा विच आर हीलर डालने, फिर विच, फिर वॉल रेकर एंड फिर हीरोज। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज।